नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं आपको होम्योपैथिक में डायबिटीज की एक जो खास दवा है उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। ये जो दवा होम्योपैथिक में डायबिटीज के लिए जो खास दवा बनी है इसका नाम है इंसुलिन टेनक्स। तो ये इंसुलिन टेनक्स में टेबलेट आती है, तो इसकी दो दो टेबलेट दिन में तीन बार मुंह में डाल के चूसे हैं। जिनको बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर है या इंसुलिन लेते हैं या गोलियां अधिक लेते हैं और शुगर का लेवल 260 है तो वो इंसुलिन टेनक्स का प्रयोग करें। ये बिल्कुल निर्दोष दवा है। मैं इसलिए इसके बारे में बता रहा हूँ कि बहुत से जो रोगी हैं वो इंसुलिन नाम इतना सुपरचित हो गया है कि उसके नाम से ही डर लगता है। तो मैं आज सबका डर निकाल देता हूँ। इससे होगा फ़ायदा ये कि जितने डायबिटिक पेशेंट हैं उनमें से एक मैं भी हूँ, यूँ मान लो क्या बिल्कुल हूँ और मैं लेता हूँ, क्यों झूठ बोलूँगा मैं? कोई कहेगा ये दवाई लेता तो लेता, मैं भी आदमी हूँ। अभी मेरे को इस वक्त प्रचंड जुकाम है और है सब है, लेकिन आदमी जब रोटी खाता है, नहाता है, पानी पीता है, नाश्ता करता है तो उसको अपना काम थोड़ा बहुत तो करना ही चाहिए। हाँ, इंसुलिन टेनक्स से अगर रोग काबू में ना आए तो इंसुलिन 30 पोटेंसी, जो गरीब आदमी है वो 30 पोटेंसी दिन में तीन बार एक दो महीना लें और अपने शुगर का ध्यान रखें। लेबल का कहीं ऐसा न हो कि इधर अंग्रेजी गोली भी खा रहे हैं और इंसुलिन भी ले रहे हैं तो कहीं शुगर है जो डाउन नहीं चले जाए, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। और 150-60-70 तक इंसुलिन का प्रयोग न करें, 200 से ऊपर आप प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे ही आपको पता लगे आपकी शुगर का लेवल 150-60 आ गया आप इसको बंद कर दें। वैसे कोई नुकसान नहीं करती है, अगर आप दो महीना भी ले लो कोई नुकसान नहीं करती है। ये एक पौधा है, बिल्कुल आयुर्वेदिक पौधा है और इस पौधे से ये दवा बनी है। पौधे का नाम ही जब इंसुलिन है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब मैं आपको थोड़ा इसका बताता हूँ, परिचय देता हूँ। अगर आपको डायबिटीज से छुटकारा पाना है तो ये पौधा आपके लिए बहुत कारगर होगा। इंसुलिन पौधा, इसको अंग्रेजी में कोस्टस फिक्टस के नाम से पुकारा जाता है, डायबिटीज के लिए रामबाण है। इसकी पत्ती का स्वाद खट्टा होता है, कंद का आकार अदरक की तरह होता है, कंद का सूप बनाकर पीने से कई बीमारियों से छुटकारा मिलता है। पौधे की ताज़ा पत्ती चबाने से ब्लड ग्लूकोज लेवल नियंत्रित करने में मदद मिलती है। उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद के सहायक निदेशक प्रशासन अमित पुरोहित ने बताया कि देश में शुगर यानी कि डायबिटीज की बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इससे निजात पाने के लिए एक पौधा इंसुलिन है, ये उन्होंने लिखा है जो आयुर्वेद के डायरेक्टर हैं। तो ये इंसुलिन नाम का पौधा है, इसके कई नाम हैं जैसे क्रेप अदरक भी इसे कहते हैं, कुए कहते हैं, केमुक या कुमल कहते हैं, कीकंद कहते हैं, बो पकरमुला कहते हैं, पुष्करमुला। इसका वैज्ञानिक नाम कोस्टस पिक्टस है जो डायबिटीज की रोकथाम के लिए एक बहुत ही कारगर औषधि है, ये पौधा है। इसके अलावा ये जो है और क्या काम करता है आप ये मत समझिएगा डायबिटीज में ही काम करता है, नहीं, ये डायबिटीज तो है ही है, उसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट हैं, मैं ही हूँ बस बिल्कुल मान लो, और भी एक अब दूसरा का उदाहरण देने से क्या फ़ायदा, मैं खुद हूँ, मुझे खांसी जुकाम भी है ना,
तो ये जो है खांसी जुखाम नाक पेट के कीड़े त्वचा संक्रमण आँखों का संक्रमण दमा गठिया फेफड़ों फफूंदी जनित यकृत जन्य बीमारियाँ शरीर शुद्धिकरण जिगर की सूजन गर्भाशय के संकुचन कब्ज दस्त आदि के इलाज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैव प्रौद्योगिक परिषद के निदेशक डॉक्टर राजेंद्र डोभाल ने बताया कि इंसुलिन पौधे से दो पत्तियों को पीसकर एक गिलास पानी में घोलकर सुबह शाम पीने से मधुमेह दूर होता है। अगर इसके जहाँ पौधा मिलता है तो इसकी पत्तियों को इस तरह से लें तो डायबिटीज ठीक हो जाती है। वनस्पति विज्ञान प्रोफेसर डॉक्टर DS रावत ने बताया कि ये औषधीय पौधा इंसुलिन को बढ़ाने में लाभदायक है। हिमालय क्षेत्रों में खेती के लिए अनुकूल भी है। वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर सुमित पुरोहित ने कहा कि कॉक्सटस पिक्टस का भारत के अलावा अन्य देशों में शोध चल रहा है, यानी कि इसके ऊपर अभी कई देशों के अंदर वैज्ञानिक इसकी शोध में लगे हुए हैं और कई जगह इसकी नर्सरी तैयार करते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि मैं अगर आपको अच्छी तरह नहीं बताऊंगा ना तो आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे। मैं इसका कई वर्षों से प्रयोग करता हूँ, इंसुलिन टेनक्स का ही करता हूँ मैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। लेकिन जब शुगर 200 से ऊपर होती है तो दो टिकिया सुबह, दो टिकिया दोपहर और दो टिकिया रात। जबकि कई अन्य होम्योपैथिक डॉक्टर हैं जो कुछ समझते नहीं हैं, जिन्हें तजुर्बा नहीं है, जिन्हें अनुभव नहीं है, और वो कुछ ही तो डॉक्टर वो क्या कहते हैं इंसुलिन टेनक्स के लिए ऊपर टाइटल देते हैं कि दो गोली में डायबिटीज ख़त्म। और जब सुनते हैं उनका वीडियो तो वो कहते हैं कि इंसुलिन टेनक्स की दो गोली ले लो आपकी डायबिटीज ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा आप दिमाग लगाओ, दो गोली खाने से डायबिटीज कैसे ख़त्म हो जाएगी इतने वर्षों की? तो वो इतना भी नहीं समझते, डॉक्टर बन गए हैं। अरे भाई साहब हकीकत में आइए, दो दो गोली दिन में तीन चार बार चूसिए, अपनी बढ़ी हुई डायबिटीज का लेवल कम करने के लिए दिन में चार बार लीजिए और नज़दीक के 20 रुपये 50 रुपये लगते हैं, घर में ग्लूकोमीटर है ठीक है, नहीं तो चेक कराते रहिए। आपकी शुगर तीन चार दिन के अंदर ये हाथों हाथ नहीं तोड़ता है, चार पांच दिन के अंदर जब 200 के अंदर चली जाए तो आप जो अपनी दवाई लेते आ रहे हैं उसको लेते रहें, फिर कभी बढ़ जाएं तो फिर इंसुलिन का सहारा लें। और इंसुलिन टेनक्स जर्मन की बनी आती है, 100-150 रुपये की आती है, जो गरीब आदमी है तो उनके लिए इंसुलिन 30 पोटेंसी दिन में तीन बार, ताकि 20-30 रुपये में उनका इलाज हो जाए। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रहे, ये रक्त शर्करा का लेवल बहुत फास्ट और जल्दी नीचे लाती है, इसलिए होम्योपैथिक डॉक्टर अब मैं क्या कहूँ उनसे राय ले या न ले, आप तो अपना ख्याल खुद रखें, इस वक्त वही बहुत है, क्योंकि न अभी डॉक्टरों को टाइम है न और उनके स्टाफ को टाइम है, सब कोरोना संघर्ष में लगे हैं। और मुझे भी कहा है कि आप रेस्ट करो, अब मैं अगर रेस्ट किया मैं पड़ गया तो यूँ मान के चलो पड़ गया, बूढ़ा बेल होता है ना तो जब तक वो चलता रहता है तो चलता रहता है, लेकिन अगर वो एक बार ज़मीन पे बैठ गया तो फिर वो उठेगा नहीं, उसको दूसरे ही उठाएंगे। तो भाई देखो हमारी यही हालत है, लेकिन हम घबराते नहीं हैं, बस हिम्मत किए बैठे हैं। आप ऐसा कभी मत सोचो कि ये जो शक्ल दिखती है कि ये बुड्ढा कितना अलर्ट है, मेरे को कितने लिखते हैं लोग
कि दादाजी आप क्या खाते हैं, क्या डाइट है, आप कितने निरोग हैं, कितने ठीक। अरे भाई देखो, मैं सूखी रोटी खाता हूँ और गाय का दूध एक गिलास सुबह पीता हूँ, बाजार का कुछ नहीं खाता। इसके अलावा मेरे घुटने भी दुखते हैं, मेरे को शुगर भी है, मैं एक आपकी तरह ही आम इंसान हूँ। और आम इंसान को जो तकलीफें होती है वक्त की, वो मेरे को भी है। हाँ, और ये तो एक देखो थोड़ा गॉड गिफ्ट है कि एक आदमी को 103 बुखार होता है तो वो बाजार में शॉपिंग करने चला जाता है, और एक आदमी को 98 होता है तो ओड के सो जाता है। तो थोड़ा हमारी है जो उनमें गिनती है कि हम जब तक एकदम ही डाउन नहीं होए, जब तक हम चलते रहते हैं, तो इसमें कई रोग देखते हैं कि हम गलत जगह आ गए तो वो किनारा कर जाते हैं, और कभी नहीं किनारा करे तो हम किनारा कर जाएंगे। हैं, तो आज के दिन मैंने आपको जो वीडियो दिया है, ये वीडियो सिर्फ एक जो दिमाग के अंदर गलत फहमी है कि इंसुलिन 10x, अरे भाई तुम इंसुलिन ले रहे हो, इंसुलिन के इंजेक्शन भी खा रहे हो, तो आपको इस तरह से बहुत लोग कंफ्यूज करेंगे, उनकी बात पे न जाओ। आप ये कहो मैं एक आयुर्वेदिक पौधे से बनी हुई होम्योपैथिक दवा खाता हूँ, बस इसका नाम इंसुलिन जाने किसने डाल दिया, ये मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये बिल्कुल निर्दोष दवा है और ब्लड शुगर को नीचे लाने के लिए जड़ी बूटियों के अंदर और कोई दवाई नहीं है इसके बराबर। और तो मैं क्या कहूँ, और ये बड़े दुख की बात है कि आयुर्वेद के अंदर इस पौधे की दवाई अभी तक क्यों नहीं बाजार के अंदर आई। वो देखो अगर आई है तो मुझे पता नहीं, कहीं तो पढ़ता लिखता देखता मैं, और होम्योपैथिक वालों ने कब की बना ली इसकी। हैं, कितनी वंडर की बात है। मत रहिए, अपना शुगर लेवल का ध्यान रखें, कोरोना चल रहा है, इसके साथ ब्लड प्रेशर का भी ध्यान रखें, अच्छा मास्क लगाएं, ये नए वैक्सीन आनी और नए ये रोग जाना, मेरी बात को लिख लो, ये कोरोना रहना है और आप लोगों को इसका एक ही तोड़ है कि बिना कारण आप बाहर न जाएं, और जाएं बहुत आवश्यक हो तो बढ़िया मास्क लगाएं अच्छे से अच्छा, और वापस घर आएं तभी मास्क को हटाएं, अन्यथा न हटाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। वो मैं क्यों कहता हूँ ये बात, ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो है अपने जो, अब मैं आपको कैसे समझाऊँ, अपनी जो वायु है जिसमें से अपन ऑक्सीजन लेते हैं बॉडी के अंदर, जो खुले में हवा में जो ऑक्सीजन होती है उसको अपने लंग्स हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं, तो जो हवा में ऑक्सीजन है वो अपने ही कारणों से इतनी प्रदूषित हो गई है, क्या कहते हैं प्रदूषण मान लो, इतनी जहरीली गैसें इस हवा के अंदर मिक्स हो गई, जो कूड़े की भी है, कचरे की भी है, पेट्रोल की भी है, डीजल की भी है, सब की आ गई, उन जहरीली गैसों के अंदर ही हमारी ऑक्सीजन है, और उस ऑक्सीजन को अपने आदमी के और जानवरों के सब इंसानों के फेफड़े उसको लेते हैं और उससे आदमी जिंदा रहता है। तो जब ये हवा ही जहरीली हो गई और इसी में ऑक्सीजन की कमी होते ही ये कोरोना नाम का जो फ्लू है, ये नाम अंग्रेज़ों ने दिया है, फ्लू है एक तरह का, तो ये फेफड़े को पकड़ता है और श्वास नली में कफ को रोक करके आदमी के प्राण ले लेता है, ये इतनी सी गणित है। इसलिए आप इस प्रदूषण को बंद नहीं कर सकते तो फिर अपना बचाव ही रखो, एक आदत डालो कि जैसे पैंट के नीचे अंडरवियर पहनना
अपन क्यों पहनते हैं अंडरवियर? आप 2 दिन अंडरवियर पहन के मत जाओ, खाली पैंट पहन के जाओ। आपको दिन भर आप कोई भी काम करोगे ना, आपको फीलिंग होता रहेगा नीचे की, कैसा बड़ा अजीब सा महसूस करोगे आप, क्योंकि आपकी आदत पड़ी हुई है पहनने की। इसलिए अभी ऐसा ही लगेगा, आप जब रोज़ मास्क और ये, तो अपने आप में आने वाली पीढ़ी और आप और हम अगर रहे तो सब सीख जाएंगे, आदत पड़ जाएगी। आप यूँ मान के चलो, मास्क एक अपना मोनोग्राम बनेगा, और हाथों को वॉश करो, नहाओ धोओ और अच्छे काम करो। ये भी और बीमारियों की तरह एक बीमारी है, चलती रहेगी। अरे ये कारवां तो आगे बढ़ता रहेगा, कारवां गुजर गया बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया कहाँ देखते रहे।